गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, गुड मॉर्निंग मिस्टर सलीम सजीद, गुड मॉर्निंग मिडिल ईस्ट, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग होल वर्ल्ड, डीएक्सएन वर्ल्ड, वेलकम टू डीएक्सएन आरवीसी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेस्ट है। ही इज नॉट ए नेटवर्कर बट ही इज सपोर्टिंग द नेटवर्कर from the side of the management. He is managing the whole, scenario from the Gulf Middle East countries. Name is Mr. Salim Shajir. He is a director of marketing DXN Middle East. And khushi ka baat hai, wo hamara aadmi hai, hamara desh se hai. Hamara साउथ इंडिया से, केरला से है और इसने पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट करने के बाद डीएक्सएन को एंट्री स्ट्रेट अवे हो गया और कहीं कहीं काम करके हो गया, मुझे मालूम नहीं हो, बट आई थिंक ही हैज एंटर डीएक्सएन स्ट्रेटली ऑलमोस्ट 15 इयर्स ही हैज बीन इन डीएक्सएन। एंड अभी आपको मालूम है आज का मिडिल ईस्ट कंट्रीज का ग्रोथ, उसके बारे में आज शेयर करने वाला है वो। आज इसने बहुत बड़ा साम्राज्य, डीएक्सएन साम्राज्य को बिल्ड करने में मदद किया है। इनिशियली जो मैनेजमेंट में लोगों मैनेजमेंट साइड से इनिशिएट लिए, लाइक मिस्टर जिजीत पायनियर फ्रॉम द साइड ऑफ द मैनेजमेंट टू ओपन द मिडिल ईस्ट मार्केट अलॉन्ग विद मिस्टर मैथ्यू एंड अदर लीडर्स, आज पीछे मुड़कर देखे तो इतना बड़ा साम्राज्य डीएक्सएन का साम्राज्य हो सकता है वो सोच भी नहीं सकता है 15 वर्ष के पहले। आज आपने 11 कंट्रीज को अक्रॉस द मिडिल ईस्ट मैनेज करने में एज ए मार्केटिंग डायरेक्टर कामयाब बने हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतार, जॉर्डन, इराक, यमन, सीरिया एंड फिलिस्तीन, ऑल दिस कंट्रीज आपका मैनेजमेंट में मिडिल ईस्ट से आते हैं। और खुशी का बात वो है डीएक्सएन ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिडिल ईस्ट में होल एक इंडस्ट्री को पहचान बनाया है। एज फार एज माय नॉलेज गोस, जब मैंने दुबई जाना शुरू किया फर्स्ट इन मिडिल ईस्ट लगभग 2004-05 से, और 2003 में बिगिनिंग में आफ्टर फ्यू मंथ्स ओपनिंग द मार्केट आफ्टर विद इन 6 मंथ्स मैं सोचता हूँ मैं वहाँ आया, उस दिन से मैं देखता हूँ कहाँ हमने एक छोटे कमरे में शुरू किया ऑपरेशन, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक इज्जत मिला है मिडिल ईस्ट में, एक रिस्पेक्ट मिला है, और इस तरह का लोग सभी हाईली एलाइट कंज्यूमर्स को लाने में हमने सक्सेसफुल हो गया है, इंक्लूडिंग ए प्रेस्टीजियस पीपल, उसके बारे में आप आज शेयर करेंगे हमारा प्रोडक्ट का कितना हाई वैल्यूड डिमांड फ्रॉम द हाई क्लास सोसाइटी बिकॉज ऑफ ये हेल्थ को इतना बड़ा इन्फ्लुएंस किया है। इसी के कारण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक रिकॉग्निशन मिला और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का फॉर्मेशन हो गया। मैं अभी भी और रिमेंबर करता हूँ फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, उसमें
मैंने देखा हूँ कैसा फ्रॉम द साइड ऑफ यूएई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, मिनिस्टर थे उस समय उसको इनॉग्रेशन करने के लिए। ये कारण से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जस्ट आया राम गया राम का इंडस्ट्री नहीं है, वो स्कीम्स सभी ऑपरेट करने का इंडस्ट्री नहीं है, ये रियली प्रोडक्टिव क्रिएटिव हेल्पफुल इंडस्ट्री लोगों को लाइफ में बदलने में, उसको आज प्रूव करके हमने रखा है। ये कारण से आप बढ़कर आज वाइस चेयरमैन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ यूएबी यूएई ही बना है आप। और एक बात है, यूएई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का इतना बड़ा रिकॉग्निशन, वो तो बड़ा रिकॉग्निशन है, आज वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर भी है, दुबई एसोसिएशन सेंटर का मेंबर भी है। इसीलिए इस तरह का ग्रोथ में मैं सोचता हूँ आज आप लाइट डालेंगे कितना बड़ा ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये मिडल ईस्ट कंट्रीज में होने वाला है आगे वाले दिन में। इससे भारत का पार्टिसिपेशन, भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन, भारत का हाथ बहुत बढ़िया होंगे मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने आज देखा हूँ जो नेटवर्क मिडल ईस्ट में है वो सभी अपलाइन का रूट, मेंटरशिप का रूट भारत से ही गया है। इसीलिए आप एनालाइज वो भी कर सकता है, भारत का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये मिडल ईस्ट नेटवर्क ग्रोथ में। वेलकम टू मिस्टर सलीम शजीर अगेन, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग फॉर आज हमारे साथ डिस्कशन के लिए, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए। आपको मैं हृदयपूर्ण वेलकम करता हूँ। आपका आज का इंफॉर्मेशन सर्टनली इंडिया को एग्जिट करने में, इंडिया को बहुत बड़ा पोजीशन को डाल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जब डीएक्सएन इन द वर्ल्ड बिकम्स नंबर वन इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसमें हमारा हाथ कितना बड़ा होंगे मैं सोचता हूँ आज, इसमें भी हम आज बातें करेंगे। वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। थैंक यू सलीम। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट क्वेश्चन आपको है, ओके, व्हाट आर द रीजंस फॉर सच ए फास्ट ग्रोथ ऑफ डीएक्सएन नेटवर्क इन द मिडल ईस्ट? ओके, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज यू नो एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम यू एंड वी हैव लर्न द बेसिक्स फ्रॉम यू, सो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू शेयर द स्क्रीन विद यू, बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट शो। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करूंगा। आप दोनों में बात कर सकता है, और आप कहा इंग्लिश में आपको कमांड है, और आप समझते हैं फ्लो बेटर है वहाँ, कीजिए। बाद में मैं उसको एक क्वेश्चन के बाद में हिंदी में समराइज कर सकता। तो डीएक्सएन मिडल ईस्ट ग्रोथ का रीजन आपने पूछा है, इसके बारे में बताएगा तो यू नो वी हैव स्टार्टेड वेरी स्मॉल प्रोफेसर, आपको भी मालूम है, आप ही शुरू किया है इधर डीएक्सएन मिडल ईस्ट का पहला ग्रोथ का रीजन, आप है, मतलब आप लोगों का प्रेजेंटेशन ये सबसे ताकत मिलके डीएक्सएन मिडल ईस्ट ने इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म में आ गया हूं। लेकिन आजकल एज यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट प्रोफेसर, when we compare the business earlier and the business now which is happening in Middle East, iska reasons, bahut sara reasons hai. Ek hai ki Arabs
have entered the business. From expatriate community, it had been shifted to Arabs now. Arabs, arguably, DXN all over the world ka, Latin Americans ke baad, biggest ethnic community, shayad Arabs hi hoga abhi. Oh. Kyunki pura duniya mein, Europe mein, Malaysia mein, sare jagah mein, aajkal Arabs, earlier they were consumers. Now they are into serious networking. What we are seeing here, Arabs are completely got fired up with the passion on direct selling and networking. And when we talk about Arabs, mainly Arab ladies, you know, normal housewives, they have entered into the business and they are making the business move forward now. प्रोफेसर आजकल हमारा यू नो हाउसवाइफ्स लेडीज का इनकम होते हैं मंथली 4 मिलियन इंडियन रुपीस ऐसा इतना तक पहुंच गया मतलब जब एक मामूली हाउसवाइफ अरब हाउसवाइफ 4 मिलियन इंडियन रुपीस इनकम मिलते हैं उसी टाइम उसके बाजू में जो भी लोग हैं वो लोग भी एक्साइटेड होते हैं एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू do the business in a very serious manner. पिछले महीने में जून में हम हमारा leaders दो record break कर चुका पहला record था fastest crown ambassador in DXN. जून से पहले ये record हमारा Mr. Laszlo Kocho के नाम के ऊपर थे लेकिन जून का beginning में हमारा एक लीडर शेखा अल अमरी नाम के एक सऊदी लेडी वो तो कवर्ड लेडी है वो ये रिकॉर्ड ब्रेक किया मतलब लैजलो ने क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच गया 5 महीने में और ये लेडी ने 4 साल 4 महीने में उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया क्राउन एम्बेसडर बनके तो जून का सेकेंड वीक में ये हो गया और जून का लास्ट वीक में 30th जून में दूसरा एक लेडी शेखा अमरीका डाउनलाइन ने शेखा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया मतलब शेखा ने 4 साल 4 महीने में हो गया लेकिन ये लेडी अमीरा यूबी नाम के प्रोफेसर फोटो विथ यू फॉर अमीरा शी इज आल्सो वेरी यू नो अ वेरी बिग फैन ऑफ यू ये लेडी ने 2 साल मतलब 29 महीने में 2 साल 4 महीने में क्राउन एम्बेसडर बनके दुनिया का डीएक्सएन वर्ल्ड रिकॉर्ड या वर्ल्ड रिकॉर्ड फास्टेस्ट एवर क्राउन एम्बेसडर इज नाउ दोनों रिकॉर्ड ये पिछले महीने में हो गया और अभी ओमान में एक लेडी उसका नाम है सारा बलूशी अभी ट्रिपल डायमंड पहला ट्रिपल डायमंड होने वाला है ओमान में मतलब ये बिजनेस अभी लेडीज का बिजनेस हो गया प्रोफेसर आपने पहले हमको सिखाया पहले से ही हमको सिखाया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मतलब लेडीज का बिजनेस है अगर आप देखेगा तो मतलब इंडिया में भी डॉक्टर रत्ना वसुपाल ने शुरू किया ये बिजनेस और अभी हमारा लेडी लीडर धर्मशिला ये सब लोग है उधर और इधर भी डीएक्सएन मिडल ईस्ट में भी अभी लेडीज के हाथ में है ये बिजनेस इसलिए ये ग्रोथ हो रहा है इसके अलावा दूसरा एक रीजन है आपने पॉइंट आउट किया बहुत बड़ा वीआईपीस हमारे बिजनेस में ज्वाइन कर चुका हूं मतलब हमारा कंज्यूमर के लिस्ट में इधर का बहुत बड़ा वीआईपीस है मैं प्लीज स्क्रीन शेयर करेगा प्रोफेसर इफ यू अलाउ डू इट Can you see the screen, Professor? Yes, yes, yes. Visible. Okay. You can see this, ladies. You know, this is a program happened in Yemen. You can see all covered Arab ladies. Yes. Pure log bahut active hai is business mein. Aur dusra ek aur slide. ये जॉर्डन का है
पूरा लेडीज जॉर्डन का एक यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम हो गया। और ये देखेगा तो इधर का एक ये रीजन का एक बहुत बड़ा वीआईपी है शेख हमदान बिन मोहम्मद, मतलब इधर का दुबई का क्राउन प्रिंस भी है। उसका पैशन है हमारा कॉफी। डॉक्टर लिम के साथ हम भी उसको मिला है। और अभी रॉयल फैमिली ने डीएक्सएन को इधर फैक्ट्री बनाने का जगह भी दे रहा है। मतलब ये कॉफी उधर जाके हमने मार्केट नहीं किया, दुनिया का बहुत सारे कॉफी के ब्रांड के बीच से ये कॉफी चुन लिया और अपना कॉफी बनाया। अभी रॉयल फैमिली के लिए हम जबील कॉफी के नाम में सिर्फ उनके लिए हम डीएक्सएन कॉफी प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे वाला वीआईपीस का अराइवल के बाद बिजनेस का कलर और बढ़ गया। और तीसरा एक और रीजन है प्रोफेसर इधर का बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो करने के लिए, क्योंकि हमारे मिडल ईस्ट में आजकल बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। सक्सेस स्टोरीज मतलब लेगेसी थ्रू डीएक्सएन। बहुत सारे लीडर्स अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों का फैमिलीज डीएक्सएन इनकम के वजह से सर्वाइव हो रहा है। ऐसा बहुत सारे लीडर्स है, आप भी देख लीजिए, सब लोग आपका नेटवर्क से है प्रोफेसर। ये पूरे लोग अभी नहीं है, जिंदा नहीं है, मर चुका हूं, लेकिन फिर भी उन लोगों का फैमिली डीएक्सएन इनकम कैन यू इंक्रीज द साइज या लेगेसी थ्रू डीएक्सएन। या आई विल ट्राई, कैन यू सी दैट इन अ बिगर मैनर? यस यस। ओके वन I don't know when I make it slideshow, it gets disappeared. Okay, no problem. No problem. I'll make it like this. Yeah. Is it clear? So that our viewers can view see. Yeah. Who are all not there, but still their family is getting a very good amount of money. Yeah. After their death. Exactly. This is one is you know I'll show the bonus of one person, professor. Yeah. This is अब्दुल गईद अहमद अल मुआफा। ये हमारा यमन का लीडर है। ये लीडर प्रोफेसर आपको भी इनको मालूम है? मालूम है। तो ये यमन का पहला डायमंड था। हाँ। तो ये फर्स्ट डायमंड ऑफ यमन। और ये लीडर का पिछले महीने का मई 2020 पिछले महीने का बोनस है ये। और पता नहीं आपको शायद दिखता है 3,407 US dollars मतलब तकरीबन 3 लाख इंडियन 50,000 3 लाख 300,000 around 3 lakh Indian rupees. Yes. 3,407 US dollars मतलब यमन में एक बहुत बड़ा इनकम है, क्योंकि यमन का एक डॉक्टर का सैलरी भी होगा, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का सैलरी भी होगा तकरीबन $1,000 क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। इन दैट कंट्री A DXN person is getting 3,407 US dollars. This is a war-ridden country also. War अभी हो रहा है उधर. System नहीं है. फिर भी हर महीने ये आदमी का family में जाते हैं $3,407 तकरीबन. और ये आदमी मर चुका है 13 years पहले. मतलब मई 2007 में ये diamond ने इस दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन फिर भी उसी टाइम उसका बोनस था 500 यूएस डॉलर्स। लेकिन 13 इयर्स के बाद अभी भी उसका फैमिली पूरे खर्चा कर रहा है ये डीएक्सएन का बोनस इनकम के साथ। वो लोग सर्वाइव कर रहा है ये बोनस इनकम के साथ डीएक्सएन का।
और $3,400 के अलावा हर TSIP ट्रिप में ये डायमंड का वाइफ और बच्चे लोग हमारे साथ ट्रैवल भी कर रहा है। यमन जैसा एक कंट्री में ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है प्रोफेसर। और लाइक दिस सक्सेस स्टोरीज रियली मेड पीपल अंडरस्टैंड दैट DXN सिस्टम इज समथिंग अनबिलीवेबल एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर ग्रोइंग। यू नो लेडीज हैव टेकन अप दिस बिजनेस, VIPs have entered into this business and many success stories. पिछले महीने हमारा एक बांग्लादेशी डायमंड का डेथ हो चुका हूं और बहुत यंग डायमंड उसका उसको स्क्रीन आप दिखा सकता है। ये आप रेड सर्कल किया है। रेड सर्कल किया उसका नाम है शहादत हुसैन। और ये आदमी मतलब अनएक्सपेक्टेड डेथ था। अनएक्सपेक्टेड क्योंकि तकरीबन 30 साल का उम्र का था और 2 साल पहले इनका वेडिंग था और एक छोटी बच्ची भी है, इन्फेंट मे बी अराउंड 1 ईयर डॉटर इज देयर बट ही लेफ्ट द वर्ल्ड लेकिन उसका बोनस अभी भी रिमेनिंग है। मतलब हर महीने उसका बोनस अभी ये आदमी का बीवी का अकाउंट में हम डालते हैं इधर। मतलब ये इसका जॉब, इसका फ्रेंड्स, इसका फैमिली, ये सब लोग अभी नहीं है। मतलब फ्रेंड्स और फैमिली है उधर लेकिन जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, लेकिन DXN इनकम अभी भी हर महीने इसके बीवी के अकाउंट में जाएगा। तो ऐसा सिस्टम का इम्पोर्टेंस जब आप ही लोगों के सर में जाएगा प्रोफेसर, आप भी एक इकोनॉमिक प्रोफेसर है, एक डीन का पोजीशन से आप क्यों ये बिजनेस अभी फुल टाइम कर रहा हूं, क्योंकि इसके वजह से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस का वैल्यू ऑफ द बिजनेस आपको मालूम हो चुका है। जो लोग ये सिस्टम का इम्पोर्टेंस मालूम होते हैं वो लोग ये सिस्टम कभी नहीं छोड़ेंगे। अरब्स को अभी इसका इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला। आजकल के जिंदगी में नो जॉब इज परमानेंट, नो बिजनेस इज परमानेंट। इन दिस टाइम पार्ट टाइम इनकम और लाइफ टाइम इनकम लाइक DXN इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू दे विल नेवर लीव इट एंड दे विल टेक इट अप। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट प्रोफेसर। वेरी गुड। सो इट इज Can you throw the light on another woman is he's also having a very big network and who is no more? Suleimani. We have Hamad Al Rasbi. Hamad Al Rasbi. Hamad Al Rasbi. He was working as Muscat Airport mein air traffic controller tha. अहमद अल रस्मी प्रोफेसर आपका नाम लाइन है। हाँ यस यस आलर यूवर यमन इज आल्सो फ्रॉम आवर रूट फ्रॉम योर रूट सऊदी अरेबिया दोनों क्राउन एम्बेसडर आपके क्राउन एम्बेसडर हमारा रूट से ही है। इंडिया के रूट से ही है सभी। ट्रू अभी जो सबसे अभी जो सबसे सो सर दिस अहमद रस्मी उसका जॉब तो बहुत अच्छा था। मतलब मस्कट एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था लेकिन मरने के टाइम पे वो DXN का गोल्ड डायमंड भी था। और मरने के बाद शायद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होने के वजह से एक अच्छा इनकम शायद फैमिली को मिला होगा लेकिन अभी चार साल के बाद अभी उसको जॉब के तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन हर महीने उसके फैमिली में उसके बैंक अकाउंट में DXN इनकम जा रहा है। और हर साल हमद रस्बी का चिल्ड्रन हमारे साथ TSIP ट्रिप एंजॉय करने के लिए भी आ रहा है। मतलब ये सिस्टम का स्पेशलिटी यही है प्रोफेसर। मतलब लेगेसी एंड इन ओमान आजकल लेडीज ने बिजनेस टेकअप कर चुका हूं
मतलब पिछले महीने और जून और मई कंपेयर करेगा तो ड्यूरिंग कोविड ओमान का ग्रोथ है शायद 40%, 40% ग्रोथ में जा रहा है और इस महीने में भी इट्स गोइंग अहेड, नया रिकॉर्ड है, न्यू रिकॉर्ड या लास्ट मंथ मिस्टर रघुराम ने बताया ओमान का हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेल लास्ट मंथ में था। तो ये सब होते रहते हैं, आजकल मेनी मोर पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम विच यू ब्रॉट हियर प्रोफेसर। थैंक्स टू यू थैंक यू सलीम। देन आई नो दिस आर ऑल सॉलिड प्रूफ, ये सभी हम सोच भी नहीं सकते हैं 15 वर्ष के पहले। करेक्ट, इतना बड़ा ग्रोथ दुनिया में आफ्टर पेरू सेकेंड पोजिशन में मिडिल ईस्ट है आई थिंक। करेक्ट, इतना बड़ा ग्रोथ मिडिल ईस्ट से जो आ गया है एंड लोकल पीपल ने सीरियसली इन्वॉल्व करके वो यहाँ सक्सेस, नॉट ओनली सक्सेसफुल है, दे आर मेकिंग ए बिग मनी। एग्जैक्टली, एंड ऑल दीज 5-6 पीपल यू हैव शोन अस नाउ इन द स्लाइड, आई नो आई हैव सीन देम पर्सनली, आई हैड ए पर्सनल टॉक विद देम व्हेनेवर आई यूज्ड टू कम टू दुबई एंड आई यूज्ड टू मोटिवेट देम, एनकरेज देम। टुडे इवन दो एवरी लाइफ, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू लीव वन डे, वी से दैट जातस्य मरणम ध्रुवम, दोस हु आर बोर्न हैव टू डाई, वी डोंट नो व्हेन इट हैपेंस, बट इट इज सो रियली अमेजिंग अवसम सिस्टम दैट इवन दो दे आर नॉट देयर, नॉट ओनली दे आर गेटिंग द इनकम, देयर इनकम इज इंक्रीजिंग। कैन यू एवर इमेजिन a dead man can multiply the money? True. Dead man can multiply the money. This is what happens in DXN system. Professor, this is what Dato Dr. Lim Seo Jin ne made such a strong, vibrant system. And I entered DXN only because of the fact that we will get a residual income, passive income. But after 20 years, it is so amazing. Not only living people are making money, dead man is going money. I still remember the gentleman from Oman. While he was alive, because he used to share with me, that time he was in Dubai or this Abu Dhabi, somewhere he used to come to. That time, he was one of the top earners from Yemen because he was the first diamond. That time he was getting $1,000 roundly, round about. $1,000 to now, after 13 years, his income has gone without him, without he is working, without anybody, only they are making qualifying PV. That family gets $3,407 मैं सोचता हूं कोई भी सिस्टम में ये नहीं होता है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस सलीम सर जी। प्रोफेसर सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट समथिंग। यमन में एक रिकग्निशन नाइट था, उसी टाइम ये अब्दुल गई मुआफा का छोटी बच्ची उसने स्टेज में आके ऐसा माइक में बात किया, मतलब हमारा पापा अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी हर महीने ठीक 10 तारीख वो हमारे घर में आ रहा है, हर महीने डीएक्सएन बोनस के रूप में। तो सब लोग रो रहे थे, यू नो, ये सब सुन के। दैट इज द सिस्टम, दैट इज द पावर ऑफ द सिस्टम। आई थिंक सी after 25 years, never in 27 years, उस समय हमारे साथ कोई भी सबूत नहीं था।
करेक्ट भाई, जो डीएक्सएन को लॉन्च किया डीएक्सएन इंडिया में 2000 में, लोग हंसते थे, जनरेशन बताते हंसते थे, लेगेसी 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 हम चिल्लाते थे, वो हंसते थे, क्या लेगेसी है वो, कैसा ट्रांसफर हो सकता है, कैसा फ्यूचर जनरेशन को इनकम प्रेजेंट जनरेशन का ट्रांसफर हो सकता था, वो समझ नहीं सकते थे। आज हमारे साथ ओनली नॉट मिडल ईस्ट स्टोरी, एवरी कंट्री वी हैव आल्सो हंड्रेड्स ऑफ सच एग्जांपल्स वेयर दे हैव डेड एंड गॉन आफ्टर बिल्डिंग द नेटवर्क। गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, रिसेंटली मंडोरा हिज वाइफ शी इज क्वालिफाइड लेडी विद 72 years, 72 years, her husband expired 3 years back, now she is 72 years, this year ITSI TSIP dono wo aa gayi hai, because she won, see, because of the aging she was not even stable, but she is healthy, and she is a widow, has her own car, her own cook, her own servant. After the death of her husband, that time it was around 70-80-90 thousand. After death of her husband, she is getting 1.5 lakhs bonus. Imagine such a living example we have in Gujarat. He's a doctor, Dr. Parul Parikh, who is no more. He was a kidney patient. About 13 years back, he left and gone. His family is using another gold diamond, those day gold diamond, Ramanuja Patnaik, from Nagpur, Maharashtra. This is only a few example. I can say give 100 such examples who are not there today, but their family is getting not sustainable income, not livelihood. They are getting such a huge money to have all the luxuries. Exactly. Imagine a widow can have a driver and a car, 72 years. True. Even many rich families cannot afford. Cannot imagine. Are they retire or any very wealthy family? Yeah. But in a DXN family, and such people can lead means. आप सोच सकता है, what a fantastic system. ये और एक reason मैं सोचता हूँ सलीम, why it has become very strong, these examples will influence. Yeah, true. And mujhe itna kush hai ye Arab countries, Middle East mein aapko malum hai, there is a lot of social restriction. I want to add that to your first question and answer what you have given. There are a lot of restriction, they cannot freely mingle, ladies must have a separate meeting, sit separately. They cannot, with all these social restrictions, two ladies can become crown ambassador from Saudi Arabia. That too with that world record. World record. Amira with the 2 years, 4 months. Yeah. Three months or four months. 4 months, yeah. 2 years, 4 months. A lady can be a crown ambassador in a conservative country, most conservative country, where they cannot have a free movement like India. India, we don't have any social restriction. Anybody can go to any of us. Anybody can talk with any lady. We have our liberty, our social structure is that. But still, the market is stagnant. And we have to now show these examples to as a model. True. Where, what is the potentiality of India then? And these ladies, Arab ladies, hats off to them. They have taken it up very serious social cause. इसने आज ये लोगों को समझ गया, जिससे उसका financial freedom को वो खुद लड़ना है, वो लड़ा, ये लड़ने के ही लोग तैयार है. I think that is what really amazing. अभी सलीम जी, आपको next question है. Yes, please. How are you analyzing the unlimited opportunity for wellness industry in the Gulf for Indians? मतलब प्रोफेसर, अगर एक कम्युनिटी के पोटेंशियल के बारे में हम बताएगा तो मिडल ईस्ट पोटेंशियल, सबसे ज्यादा पोटेंशियल
होते हैं इंडियंस को, क्योंकि इधर द नंबर वन एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन इज इंडियंस. आजकल गल्फ में वेलनेस इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज बूमिंग, बोथ आर बूमिंग. वेलनेस इंडस्ट्री मतलब इम्यूनिटी एंड प्रिवेंशन इंडस्ट्री, अर्लियर कोविड से पहले उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, आदमी लोगों के पास टाइम नहीं थे ये वेलनेस के बारे में सुनने के लिए, इम्यूनिटी के बारे में सुनने के लिए. लेकिन कोरोना के बाद आज हम इम्यूनिटी के बारे में बात करेगा तो या वेलनेस के बारे में बात करेगा तो सब लोग सुनते हैं, क्योंकि सब लोग इसको ये ऐसा ऐसा प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहा है, मतलब किधर से मिलेगा ऐसे सोच के जा रहा है. और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पहले मिडल ईस्ट में उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, लेकिन अभी बहुत सारे अरब्स इसमें काम करना शुरू किया और इसका भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. आप ये देख लीजिए प्रोफेसर, यूएई में 3.5 मिलियन इंडियंस है, सऊदी अरेबिया में 2.6 मिलियन इंडियंस है, कुवैत में 1.2 मििलियन इंडियंस है, ओमान में 0.8 मिलियन मतलब 800,000 इंडियंस है, कतर में तकरीबन 8 लाख इंडियंस है, बहरीन में तकरीबन 4 लाख इंडियंस है. मतलब वी आर सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन ऑफ इंडियंस. लेकिन आज तक किसी भी आदमी 100% ये पोटेंशियल को एक्सप्लोइट नहीं किया. Professor, for example, you are an Indian. Under you, all these Arab countries have developed. You are just one Indian. Mm-hmm. Under you, all these Arab countries developed. We have around takriban 1 million members hai. Ye pure 1 million members aapke niche hai. Ek Arab अगर सऊदी में कॉफी पिएगा तो आपको इंडियन आपको इनकम मिलेगा, एक अरब यमन में टूथपेस्ट परचेज करेगा तो आपको इंडियन मिलेगा इंडिया में बैठ के. ये चांस हर इंडियन मेंबर्स को है, उसके पास है, लेकिन अभी तक वो एक्सप्लोइट नहीं कर रहा हूं, वो यूटिलाइज नहीं किया है, क्योंकि आप ये लोग देख लीजिए इतने सारे इंडियंस है, यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है, कुवैत में है. थोड़ा आप नीचे कीजिए यूएई को, थोड़ा नीचे. हाँ 3.5 मिलियन माने 35 लाख या 35 लाख इंडियंस है, मतलब इंडिया का एक स्टेट में होते हैं उतना ज्यादा. तो मतलब ये तो एक इंडियन स्टेट है, ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं. ये इंडियन स्टेट में आपका बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं. एक्सपैंड करेगा तो पोटेंशियल क्या है, मतलब आप बिहार में बैठ के केरला में बिजनेस एक्सपैंड करेगा तो वो पूरा लाइन केरला इंडियंस होगा, लेकिन गल्फ का एक इंडियन में एक्सपैंड करेगा तो वो इंडियन से आपको पूरा दुनिया में लाइक्स मिलेंगे. मतलब इधर एक मिनी वर्ल्ड है. अगर आपके नीचे एक इंडियन है तो, एक इंडियन मेंबर है तो, वो इंडियन मेंबर को अगर रोड में जाएगा तो, बाहर जाएगा तो उसको एक कुवैती को मिल सकते हैं, सोमालियन को मिल सकते हैं, यूरोपियन को मिल सकते हैं. मतलब ये तो एक मिनी वर्ल्ड है. मतलब इधर एक इंडियन को आप रिक्रूट करेगा तो ये इंडियन के जरिए आपको एक ग्लोबल लाइन बिल्ड कर सकते हैं. ऐसा एक पोटेंशियल है. अभी तक Indians have not understood this potential. मतलब Indian leaders अगर इधर prospecting करना शुरू करेगा तो आपका business और हमारा business change हो जाएगा. Yes. सबसे strong community, expatriate community in Middle East is Indians. But we don't have very strong Indian lines. ये पूरा Middle East का business एक Indian line में चल रहा है. हर एक इंडियन लीडर को, मेंबर को, उसका फैमिली में या बाजू वाले फैमिली में एक इंडियन होगा जिन्होंने गल्फ में काम कर रहा है, तो उसके साथ कांटेक्ट करके. और इधर वी हैव अराउंड 80 सर्विस सेंटर्स, टॉप क्वालिटी सर्विस सेंटर. किसी भी सर्विस सेंटर में आपका वो आदमी को भेजेगा तो
हमारा स्टाफ है, हमारा लीडर्स है उन लोगों को टेक केयर करने के लिए। आप सिर्फ एक एक प्लांट को इधर प्लेस करना है, उसको ट्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। थैंक यू सो नाइस, सो वंडरफुल, फंटास्टिक मिस्टर सलीम। एज यू नो दैट हमने उसका फायदा को इंडियंस ने अभी तक उठाया नहीं। आपका ये स्टैटिस्टिक से अभी जो अदर कंट्रीज का, अदर कंट्रीज में ही भी है ये मेजर कंट्रीज, कहाँ इंडियंस आर रिपेट्रिएट से काम करने वाला, लगभग 1 करोड़ के ऊपर है ये सभी एडअप करे तो 1 करोड़ के ऊपर है। 1 करोड़ का जो रिपेट्रिएट, ये सभी वहाँ साधारण लोग नहीं है, वहाँ सभी लोग है, ये काम करने वाला लोग है वहाँ, काम करने वाला माने ये सभी लोग वहाँ, कोई कोई जब जॉब में कमाने के लिए गया है वहाँ, ओनली वो गया है थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम मिलेंगे। ये सभी लोगों को आज मालूम हो गए तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क इंडस्ट्री में। अभी डीएक्शन जैसा कंपनी में वहाँ काम करने के साथ वो साइड बिजनेस और एडिशनल इनकम के लिए वहाँ एक बीज डालकर एक स्मॉल नेटवर्क कर बनाकर 3 बरस 5 बरस के बाद में इंडिया को आने के आए तो वहाँ उसको परमानेंटली एक रेसिडुअल इनकम मिलेंगे मालूम नहीं। दूसरा बात है, अभी जो नेपाली से किया है, बांग्लादेशी से किया है, मैं सोचता हूँ आफ्टर अरब से ये लोग अच्छा किया, ये लोग से बहुत कमाने वाला है, अचीवर्स है। अभी आई थिंक दिस अदर कंट्रीज रिपेट्रिएट, बट इतना बड़ा कंट्री इंडिया का, इतना बड़ा देश, 130 करोड़ के ऊपर, 140 करोड़ के लगभग नियर होंगे हमने, इस तरह का बड़ा देश में ये अभी गल्फ जैसा कंट्रीज में हमने नेटवर्क शुरू करे तो वहाँ से सारा दुनिया को हम अभी खुशी का बात जो है। इसके साथ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि दुबई से, मिडल ईस्ट से ही टोटल नेटवर्क, डीएक्सएन नेटवर्क का एक्सपांशन इतना फास्ट हो गया ओनली आफ्टर मिडल ईस्ट। तो इसीलिए बिकॉज वहाँ सभी देश का लोग है, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सभी तरह का लोग है, लॉट ऑफ लोगों ने वहाँ, इवन गनी का एक्सपांशन देखे तो भी कनाडा एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज, उसका नेटवर्क बहुत गया है वहाँ, वो बेस है मिडल ईस्ट। बताइए, एक और चीज है, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन और इंडियन के बीच में बहुत सारे फर्क है। मतलब इंडियन अपने देश में है तो वो लोग बिजी होते हैं, मतलब शादी का मामला है और बच्चों लोगों को स्कूल में छोड़ना है ये सब, और हाउस वार्मिंग है उसके लिए जाना, ये सब है। लेकिन एक नॉन रेसिडेंट इंडियन, फैमिली नहीं है इधर, उसके मन में सिर्फ एक ही विचार है, कैसे पैसा कमाना। तो अगर उन लोगों को कन्विंस करना बहुत आसान है ये सिस्टम के बारे में, और नॉन रेसिडेंट इंडियन को रिटायरमेंट प्लान नहीं है, मतलब इधर 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं एक कंपनी के लिए, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद जॉब छोड़ के वापस इंडिया में जाते हैं, फिर भी दोबारा एक जॉब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग्स कुछ भी नहीं है। इधर कितने पैसे कमाते हैं, पूरे के पूरे पैसा घर में बेचते हैं, घर बनाते हैं, बच्चों को उधर एंजॉय करने के लिए बेचते हैं, और बाकी कुछ भी नहीं है। जब वापस इंडिया में जाएगा फिर भी दूसरा जॉब ढूंढना है, और उन लोगों को हम इधर उन लोगों को कन्विंस करते हैं, मतलब अपने जॉब के साथ साथ ये डीएक्सएन बिजनेस भी करेगा तो वापस जब इंडिया में जाएगा दूसरा जॉब ढूंढने का जरूरत नहीं है, ये पूरा पूरा इनकम आपके साथ इंडिया में जाएगा और इनकम टैक्स डिडक्ट करके आपके बैंक में आएगा, मतलब रिटायरमेंट लाइफ स्वस्थ रहेगा। ये आप ही लोग बोलते हैं डीएक्सएन इनकम पार्ट टाइम बिजनेस है, डीएक्सएन बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस है,
लेकिन ये तो पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है प्रोफेसर, मतलब एक आदमी का पूरे जिंदगी का और जिंदगी के बाद उसका फैमिली का इनकम प्रोटेक्ट करने वाला बिजनेस सिर्फ पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, वो तो एक लाइफ टाइम बिजनेस है। हमारा जॉब है वही है पार्ट टाइम, मतलब 10 साल के बाद शायद जॉब नहीं होगा लेकिन डीएक्सएन इनकम आपके साथ ही होगा, आपके फैमिली के साथ ही होगा। तो एनआरआई को, नॉन रेसिडेंट इंडियंस को अगर आप कन्विंस करेगा तो वो तो बहुत एक्टिवली काम करेगा, मतलब ये इधर एक गोल्ड माइन आपके लिए सजा हुआ है। ट्राई टू बिल्ड योर नेटवर्क हियर प्लीज। वेरी गुड, ये है हमारा सजेशन आपका जो आज का वो सजेशन है इंडियंस को, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को हम नहीं कोना, जो किसका किसका फैमिली फ्रेंड्स सभी गल्फ कंट्रीज में हैं उसको ढूंढ कर उसको स्पॉन्सर करने का एक मौका को यूज करना, वो करे तो 100% ये होने वाला है। अभी हमने उसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस करेंगे बिकॉज ये रूट हम हमारे कारण से वहाँ गया है, उसका फायदा हमारे लोगों ने भारतीयों ने यूटिलाइज करना, इसीलिए मैंने सोचा इस तरह का बातचीत करे तो आपके साथ। बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन जो लोग आज ये माध्यम से देखता है उसको मिलेंगे। और सलीम जी और एक वाई देर आर नो हैवी हिटर्स फ्रॉम इंडियन टीम इवन दो नेटवर्क अप्लाइन रूट्स आर गॉन फ्रॉम इंडिया। अभी आपको मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग वी रिक्वायर ए हैवी हिटर, हैवी हिटर मीन्स हु विल लाइक अमीरा, अमीरा इज ए हैवी हिटर, योर शेख इज ए हैवी हिटर, गनी इज ए हैवी हिटर, भानु भक्त दमाला इज ए हैवी हिटर, आपका वो बांग्लादेशी हारून रशीद इज ए हैवी हिटर, बिकॉज हैवी हिटर टेक दिस कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी हमने नेटवर्क में यूज करता है, वो बहुत बड़ा नेटवर्क को साम्राज्य, एक नेटवर्क साम्राज्य को क्रिएट करने वाला। ये नेटवर्क साम्राज्य को क्रिएट करने वालों में भारतीयों ने नहीं आया, वो रूट गया है हमारा। मेरा खुद पर्सनल नेटवर्क नहीं है, अभी मैं भी करना है वहां। मैं भी सोचता हूँ पैरेलल एक मेरा डायरेक्ट मेगा लाइन वहां होना है। आई एम ट्राइंग, आई विल कम, डेफिनेटली आई विल कम विद अ बिग बैंग। सो इसके ऊपर आप थोड़ा लाइट डालेंगे। या प्रोफेसर, एक्चुअली अभी तक किसी भी इंडियन लीडर्स रियली डिड नॉट ट्राई, क्योंकि इंडियन लीडर्स आर क्वालिटी लीडर्स, वी नो दैट। मतलब अगर एक इंडियन लीडर सोचेगा तो गल्फ में बिजनेस बिल्ड करेगा, ऐसे सोचेगा तो गल्फ में बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, हमको मालूम, क्योंकि बहुत सारे अच्छे वाला लीडर्स है पूरा इंडिया में, लेकिन अभी तक वो लोग इंडिया में कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट ये है कि कारण कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई भी ट्राई नहीं किया प्रोफेसर, ऑनेस्टली ट्राई नहीं किया। मैं एक बात बताया प्रोफेसर, पिछले 2 हफ्ते में डॉक्टर इपन 200 केरला लोग ज्वाइन कर चुका हूं। पिछले दो हफ्ते में एक आदमी को ज्वाइन कराया इधर, डॉक्टर इपन कोशी ने एक आदमी को ज्वाइन कराया और उनके वजह से बाकी 200 लोग इधर आया, फाइन हो गया। तो 2 हफ्ते में हो चुका, मतलब एक इंडियन लीडर अगर ऐसे सोचेगा तो, मतलब मिडल ईस्ट में बिल्ड करेगा तो हम लोग भी उसके साथ ही होगा, मतलब ये लाइन डेवलप करने के लिए। शायद आप लोग ऐसे सोच रहा होगा मैं उधर नहीं है तो शायद मेरा लाइन उधर सेफ नहीं होगा, किसी और आदमी ने मेरा लाइन से आदमी लोगों को छीनेगा और मैं हर टाइम उधर जाना पड़ता है मोटिवेशन करने के लिए। नहीं, इधर आने का जरूरत भी नहीं है, हम लोग आपका बिजनेस संभाल लेगा। आप सिर्फ क्या करना है, एक आपने जैसे बताया
प्रोफेसर एक बीज डालना है, बाकी सब हम करेंगे, और जब बिजनेस बिल्ड हो जाएगा उसी टाइम हर दो महीने में या तीन महीने में आपको इधर आ सकते हैं हमारे गेस्ट जैसे, और इधर हमारा गेस्ट हाउस है, पूरे कंट्रीज में हमारा गेस्ट हाउस है और फैसिलिटीज भी है और डिफरेंट ऑफिसर्स आर देयर, आपको पूरे मिडिल ईस्ट में आपका लाइन एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन आज तक किसी भी इंडियन लीडर ने सीरियसली इसके बारे में शायद नहीं सोचा होगा, और इस मीटिंग के बाद आज से या कल से शुरू करके मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्राई टू डू दैट, क्योंकि इधर एक सपोर्ट सिस्टम इज वेटिंग द फॉर यू टू प्लांट ए लाइन हियर, बाकी सब हम करेंगे। प्रोफेसर हम चैलेंज करेगा किसी भी इंडियन लीडर हमारे मोबाइल में, मेरा मोबाइल में या किसी और स्टाफ के मोबाइल में एक मैसेज भेजा है और उसका रिप्लाई नहीं आया, ऐसा कंप्लेन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आउटसाइड लीडर्स का मदद के लिए, मदद पूछने के लिए हम वेट कर रहा है, क्योंकि वी ऑल्सो नो दैट इफ फॉरिन लीडर्स कम हियर एंड बिल्ड द लाइन देन वी हैव ह्यूज ग्रोथ। सो we are very professionally trying to deal with all those requests which are coming from India, not only from India, any country for that matter other than Middle East. Ek aadmi jab message karega, hum uske upar bahut zyada time dete hain, kyunki foreign leaders idhar aake business build karna hai. To abhi tak heavy hitter nahi hai, shayad kuch log ye meeting sun raha hai, shayad ek saal ke baad wohi hoga idhar ka heavy hitter. Sure. अबे आपने जो बताया हेवी हिटर्स इंडिया से आएंगे, विकास आपने इतना ट्रांसपेरेंट है, ये गल्फ मिडिल ईस्ट को मेरा रैंकिंग में कोई पॉइंट डॉक्टर लिम ने लगाए तो कौन सा मैनेजमेंट को मिलना वो नंबर वन पॉइंट, वो मेरा मिडिल ईस्ट का है। विकास मैंने देखा है आप लोगों ने एक कहीं भी वो रेफरेंस दिए तो इतना फॉलोअप करके आप हमारे हम फॉलोअप करना जरूरत नहीं है, आपको वो मिले तो आप खुद फॉलोअप करता, मैनेजमेंट इतना सर्विस देना मैनेजमेंट मैं कहीं भी नहीं देखा। दूसरा चीज है कहीं भी मैनेजमेंट इतना आपका हैट्स ऑफ टू मिस्टर मैथ्यू, it's all I really not just appreciate, there are no words to appreciate him. Thank you so because much. Jo logo India se aata hai particularly wahan all facility of free stay free account big networker ko jo result dikhaya hai maine abhi lagbhag 18 years se dekhta hu मेरा मैंने अचीवर हूँ, मैं टॉप में हूँ, मैं फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर, मेरे लिए इज्जत देना बहुत बड़ा बात नहीं है। आप लोगों ने साधारण एक नया डायमंड को, यो न्यू आदमी को वहाँ रहने के लिए फैसिलिटी करके उसको नेटवर्क बनाने में इंकरेज किया, बहुत लोगों ने उसका मिसयूज भी किया, अब्यूज किया, वो यूज को प्रॉपर वे में यूज नहीं किया इंडियन, इसीलिए वो भी मुझे दुखी हूँ मैं वो कारण थे। अभी डेफिनेटली आपको हेवी हिटर्स इंडिया से ही भेजूंगा, हेवी हिटर्स टू मिडिल ईस्ट, बिकॉज हमारे साथ ये अच्छा अच्छा नौजवानों ने अभी आता है, एट 20s दे आर ट्रेमेंड ऑसम इनक्रेडिबल, सच पीपल को मालूम नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा ये आज का ये हमारा डिस्कशन डेफिनेटली विल मेक ए बिग इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी इंडियन लीडर टू यूज अपॉर्चुनिटी, एंडलेस अपॉर्चुनिटी, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी इन द मिडिल ईस्ट। और एक सलीम जी, एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ मिडिल ईस्ट, हाउ डू यू व्यू stability of direct selling industry as a whole in that region, both legally and regulation wise?
एक्चुअली प्रोफेसर आपको भी मालूम है इंडस्ट्री तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो इस रीजन में अभी भी एक ग्रे एरिया में है. ग्रे एरिया में है मतलब अभी तक यूएई में गवर्नमेंट का सपोर्ट है ये सब है, लेकिन बाकी सारे कंट्रीज में अभी भी इंडस्ट्री इज इन द बडिंग स्टेज. सो नाउ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यूएई ये रीजन का सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होते हैं. और अभी इसका मिशन क्या है कि पूरे रीजन में मतलब डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन सऊदी अरेबिया, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बहरीन, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इराक, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जॉर्डन, ये सब अभी आने वाला है. जब ये पूरा एसोसिएशन आएगा उसी टाइम अवेयरनेस ज्यादा होगा, क्योंकि पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के नाम में बहुत ज्यादा फ्रॉड कंपनीज भी ऑपरेट करते हैं. तो एसोसिएशन का काम क्या है कि लेजिटिमेट कंपनीज और इलेजिटिमेट कंपनीज के बीच में जो फर्क होते हैं इसके बारे में अथॉरिटी को समझाना. तो ये काम अभी आजकल हम कर रहा हूं और बेस्ड इन दुबई वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल द अथॉरिटी फ्रॉम डिफरेंट गल्फ कंट्रीज एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज इन दुबई एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द leaders from Direct Selling Association, from WFDSA and things like that. उसको एक ट्रेनिंग देने के लिए, इसके बारे में बात करने के लिए ये सब प्लान कर रहे थे, लेकिन ये कोरोना के वजह से थोड़ा पोस्टपोन हो गया है. लेकिन टुमोरो एवरी कंट्री, एवरी मिडल ईस्ट कंट्री इज हैविंग नाउ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक सोल्यूशन होते हैं रियल डायरेक्ट सेलिंग. तो ये बात अभी अथॉरिटी के समझ में आया है, लेकिन उसको अभी तक बैड कंपनीज और गुड कंपनीज को सेग्रीगेट करने में अभी तक अथॉरिटी कामयाब नहीं हो गया. इसलिए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भी हेल्प कर रहा हूं उन लोगों को. तो बट इन फ्यूचर डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी बिकम ट्रांसपेरेंट एंड लेजिटिमेट कंपनीज ओनली विल बी फंक्शनिंग इन द रीजन एंड इन मिडल ईस्ट. It is going to be a super duper hit direct selling. क्योंकि आजकल even middle class and upper class businessmen and job holders are turning into direct selling because of the lack of certainty in their job and business. For example, 1.4 billion people are going to lose their job because of this corona. Or एक वन अराउंड 140 करोड़ एक लाख के ऊपर इंडियंस अभी यूएई से बाहर जाने वाला है क्योंकि उसका जॉब खो गया है. तो इसी टाइम एक पार्ट टाइम या फुल टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग हैज गॉट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू मेक द लाइफ्स ऑफ पीपल स्टेबलाइज्ड. ये बात अभी गवर्नमेंट को भी पता है. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली. वेरी सून वी कैन सी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ मिडल ईस्ट एंड द ग्राउंड वर्किंग इज वेरी इज गोइंग ऑन वेरी एग्रेसिवली प्रोफेसर. वेरी गुड. अबे इट इज सर्टन बिकॉज 18 इयर्स is a very, very long time. True. Yeah. 18 years से direct selling DX है. Middle East में मेरा ख्याल से direct selling industries amongst the direct selling industries in the world, DXN is the first direct selling company to give value, system, stability. एक नाम नेम बनाने में ये फर्स्ट लीडिंग है. आपको आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, डीएक्सएन इज द नंबर वन इन सेल्स अमंग द डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द मिडल ईस्ट. डीएक्सएन इज नंबर वन. डीएक्सएन इज नंबर वन. इसीलिए डीएक्सएन का रिलेशनशिप
with every government is very smooth. True. Our every government knows that DXN is a real health-based company. Exactly. It's a health promotion ke liye hi hai. इसीलिए हमको फतवा मिला वहाँ वोमन से सो मेनी कंट्रीज से हमारा मार्केटिंग प्लान को ये सभी हमारा स्ट्रेंथ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक स्टेटस देने के लिए एक नाम देने के लिए ये अच्छा सेक्टर है इसमें गड़बड़ नहीं है अभी कोई भी सेक्टर में कोई भी एक इंडिविजुअल और फ्यू कंपनीज गड़बड़ कर सकता है इसीलिए बदनामी वो होल इंडस्ट्री को डालना नहीं कोई भी इंडस्ट्री में फाइनेंशियल सेक्टर में स्कैम होता है बैंकिंग सेक्टर में स्कैम होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्कैम होता है रियल एस्टेट सेक्टर में क्या स्कैम होता है कौन सा सेक्टर है घोटाले नहीं है घोटाले सभी सेक्टर में होता है बट क्यों हमारा फिंगर showing only to direct selling industry. इसीलिए हमने बताया है direct selling में भी चोर companies आएंगे आए हैं हैं उसको clean up करना Correct. as you said legal illegal differentiate करके कानून बनाना each country में each government के हाथ में है अभी इंडिया में भी हमने 25 वर्ष से 30 वर्ष से चिल्लाते हैं सिंस 1990s अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपनली गाइडलाइंस को डिक्लेयर किया करेक्ट दो वर्ष के पहले गाइडलाइंस आने के बाद वो लिस्ट बनाया है कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है ये इंश्योरेंस आप इंक्लूड करें तो इलीगल है और आपको अल्कोहल टोबैको सो मेनी प्रोडक्ट बताया है ये रियल एस्टेट ये सभी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं ला सकते हैं वो इलीगल है पहले देयर वाज नो क्लैरिटी इट वाज फ्री ट्री प्लांटेशन इट इज इलीगल इन इंडिया ट्री प्लांटेशन को आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं ला सकता है ये सभी कानून आने के बाद देयर इज क्लैरिटी एंड रियल कंपनीज जिनियन कंपनीज क्वालिटी प्रोडक्ट उसको आज बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ मिला है ये लॉस एंड रेगुलेशन को लाने के बाद में अभी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसका काम अभी चलता है वो भी होंगे अभी पार्लियामेंट में ये लेजिस्लेशन पास होने के बाद वो गाइडलाइंस दिया है गाइडलाइंस को इंडियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन पास करेंगे बाद में द गवर्नमेंट बताया है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी से ही आप सभी लाइसेंस लेना है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फ्यूचर में उस तरह आएंगे वो वेरीफाई करेंगे फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग है ओन प्रोडक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर में है और कोई प्रोडक्ट वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता है इस तरह का प्रोडक्ट इसमें बेचता है ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन आज पक्का है क्लियर है okay. इस तरह का चीज डेफिनेटली दुनिया में अभी वर्ल्ड में 80% देश में 80% में डायरेक्ट सेलिंग क्लैरिटी है यो छोटा मोटा देश है लाइक सिंगापुर मलेशिया 40 बरस 50 बरस से डायरेक्ट सेलिंग एक्ट है वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू पास Direct Selling Act is small countries like Singapore, Malaysia. Correct. Why Singapore, Malaysia in 70s or 80s can bring the regulation act? Because aapko malum hai, Singapore is one of the strictest law abiding nation in the world, democratic country, law abiding. True. Abhi zero tolerance there, any illegal activity, but everything is regularized, whatever. इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी वहां लीगल लाइसेंस है रेगुलराइज्ड है इस तरह आने वाले दिन में सभी एशियन कंट्रीज में बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सभी कॉन्टिनेंट में डायरेक्ट सेलिंग इतना मजबूत बना है
और कम्युनिस्ट कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग मजबूत बनता है। एक समय में कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग टोटली बैंड था, रशिया में नहीं था। अभी रशिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, चाइना में अनथिंकेबल। 20 बरस के पहले मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग को आया 2000 में, चाइना में नहीं था, नो डाउट। अभी चाइना हैज बिकम नंबर वन इन डायरेक्ट सेलिंग सेल्स, इट हैज ओवरटेकन इवन अमेरिका। बट दैट मींस इट कैन बी regularized and opened the market. Exactly. Because of what? Employment opportunity, linear income, yeah, or passive income, security, time, money, security. Yeah. True. Authorities have understood it is a micro enterprises. True. And independent employees. Logon ko opportunity aap employment dete kya, employment ka opportunity ko create karna. ये एम्प्लॉयमेंट का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने का इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग नंबर वन है, पर्टिकुलरली इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर एंड सर, दिस इज द सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री। आई थिंक एवरी गवर्नमेंट इफ एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली बाय द राइट पीपल, दे विल एक्सेप्ट नथिंग रॉन्ग इन दिस इंडस्ट्री। एंड आई एम श्योर दैट दिस इंडस्ट्री विल बिकम वेरी स्ट्रांग. Yeah. Because we had a lot of doubts in Middle East, it is great, and Middle East countries have realized this sector is a good sector. And Professor, happy news is that after 8 years, in Nepal, DXN has become the first multinational company to get direct selling license. Yes, very good. Yeah. This I also got just 2 days back that news. Yeah, I was. Trying to verify with Mr. Rafiq. Yeah. Rafiq told that we got in there. Yeah. And I got some other sources also. Yes, there. It's a great thing. That's right. Yeah. Because that is again our strength. Exactly. For a big expansion. Yeah. And other our question, Salim ji. Okay. What are the major negatives you encounter as a director of Middle East DXN? Why? Often they shift from company to company networkers. Okay. Actually, Professor, when you talk about this company hip hoppers, मतलब एक कंपनी में काम करेगा और उसी टाइम दूसरा कंपनी आएगा और उसको बताएगा हमारे कंपनी में आइए, मशरूम पाउडर चीपर प्राइस में मिलते हैं, स्पाइकलिना चीपर प्राइस में मिलते हैं, और आपको डीएक्सएन में कितना बोनस मिल रहा है, वो पूरे पैसा, एक साल का पैसा हम अभी दे दूंगा, आप उधर आइए, एक साल में बिजनेस बिल्ड करेगा। इसमें स्पेशलाइज करने वाला बहुत सारे कंपनीज है, इंडिया से भी है कंपनीज, आपको भी मालूम है कौन सा कंपनी है। और इन लोगों ने डीएक्सएन लीडर मिडल ईस्ट को भी अप्रोच किया, लेकिन क्या होता है, डीएक्सएन तो स्पेशल होते हैं प्रोफेसर, मतलब हम स्टाफ को भी मिलते हैं ऐसा इनविटेशन दूसरा कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पहला वो शिफ्ट करने के लिए कोशिश करेंगे स्टाफ को, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस होते हैं लीडर्स का, तो हम उधर उस कंपनी में शिफ्ट कर। मुझे भी ऐसा अपॉर्चुनिटीज मिला इधर गल्फ में, दूसरा कंपनी में ऐसा इनविटेशन भी मिला, लेकिन डीएक्सएन को डैट्यूब डॉक्टर लिम सियोजिन ने कैसे बनाया, ये तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हम शायद अभी दुनिया का सबसे नंबर वन कंपनी नहीं होगा अभी, लेकिन 5 साल में या 10 साल में हम उधर पहुंचने वाला है। लेकिन एक चीज अभी भी है, सबसे अच्छा कंपनी दुनिया में, सबसे अच्छा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दुनिया में अभी भी डीएक्सएन है, क्योंकि इतना ज्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन किसी और कंपनीज को शायद नहीं मिलेंगे। अगर एक स्टाफ के नजर से देखेगा तो, या लीडर के तरह से देखेगा तो, ओके दूसरा कंपनी में कंपनी भी होगा जिसमें हमको ग्यानोडर्मा मिलते हैं चीप प्राइस में, लेकिन चीप प्राइस में मिलते हैं चीप ग्यानोडर्मा, चीप क्वालिटी ग्यानोडर्मा, चीप क्वालिटी स्पाइरलिना, ये दूसरा एक आदमी को दे दूंगा तो
शायद वो एक बार परचेज करेंगे, आपको पैसा भी मिलेंगे, लेकिन दूसरे बार हम लेगेसी के बारे में बताते हैं। इधर हम कॉफी के, कॉफी इधर का रॉयल फैमिली ने डीएक्सएन कॉफी को एक्सेप्ट किया। इधर बहुत सारे कॉफी कंपनीज है, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी है, लेकिन वो लोग क्यों सिर्फ डीएक्सएन कंपनी को चुन लिया? और चुनने के बाद उसने क्या किया, जर्मनी में एक लैब है सिर्फ कॉफी टेस्ट करने के लिए, वो लोग हमारा कॉफी जर्मनी लैब में बेच दिया टेस्ट करने के लिए, और उधर से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन आप चीप कॉफी भेजेगा तो चीप रिजल्ट आएगा, शायद नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो डीएक्सएन के साथ हम जुड़ेगा तो हमारा नाम भी रोशन हो जाएगा, लेकिन एक वीक कॉम्पिटिटर और वीक कंपनी के साथ हम लाइफ टाइम बिजनेस बिल्डअप करने का कोशिश करेगा तो हमारा लाइफ टाइम बिजनेस नहीं हो पाएगा। मतलब डीएक्सएन इज अ वेरी वेरी सॉलिड सिस्टम क्रिएटेड बाय डैटुक डॉक्टर लिन। एंड आप इंडिया का बहुत सारे और कंपनीज को देख लीजिए प्रोफेसर, तीन पार्टनर्स या चार पार्टनर्स या पांच पार्टनर्स होते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को अगर पार्टनर्स होते हैं तो क्या हो जाएगा, दो साल के बाद हर पार्टनर सोचेगा ये तीनों के साथ मुझे क्यों प्रॉफिट शेयर करना है, मुझे और एक कंपनी शुरू करना है। तो तीन पार्टनर वाला या चार पार्टनर वाला कंपनीज, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, पांच साल में या दस साल में क्या होते हैं, हर पार्टनर एक कंपनी शुरू करेंगे, और ये तीनों कंपनी जब शुरू हो जाएगा ये पहला कंपनी वो नीचे जाएगा। हम बहुत सारे ऐसा कंपनीज को भी देखा, लेकिन डीएक्सएन सिस्टम इज ए वन ड्रैगन कंपनी और वन वर्ल्ड वन मार्केट। प्रोफेसर इधर एक्सपैट्रिएट्स के बीच में हम बिजनेस प्रमोट करते हैं, एक तो एक दिन ये सब लोग अपने मुल्क में वापस जाना पड़ेगा। अगर वो लोग ऐसा एक कंपनी में काम करते हैं जिसमें अपना बोनस ट्रांसफर करने का फैसिलिटी नहीं है तो इधर का पूरा एफर्ट बर्बाद हो जाएगा। डीएक्सएन में काम करेगा तो दुनिया के किसी कोने में आप फिर भी जाएगा तो उधर भी डीएक्सएन सिस्टम होगा, तो अपना इनकम अपने साथ उधर भी आएंगे। तो वन वर्ल्ड वन मार्केट फॉलो करने वाला सिर्फ एक ही कंपनी है इस दुनिया में। मैं क्यों बताया, डीएक्सएन सबसे अच्छा कंपनी है, शायद सेल्स में सबसे नंबर वन कंपनी नहीं होगा डीएक्सएन अभी, लेकिन सबसे अच्छा कंपनी डायनामिक्स देखेगा तो सबसे अच्छा कंपनी विदाउट डाउट इज डीएक्सएन। द पोटेंशियल, द फ्यूचर पोटेंशियल, द ग्रोथ रेट, एवरीथिंग डीएक्सएन का नंबर वन होते हैं। Yes. तो ये सब चीज अगर किसी आदमी का, अरब्स एंड ऑल दे नेवर शिफ्ट कंपनी प्रोफेसर बिकॉज दे आर वरीड अबाउट द क्वालिटी, दे नेवर शिफ्ट कंपनीज। Expatriates, certain leaders, yes, but we have many quality leaders, like as you said, Banu Bhakta Dhammala, Harun or Rashid and all, they got bahut sare invitation mila hai dusre companies se, lekin they did not look right and left, they just concentrated on DXN activity, and now all of them, sab log enjoy karte hai DXN system ka passive income, and enjoy karte hai, sab log settle ho chuka hai, aur har mahine वो अगर नहीं काम करेगा तो भी उसका बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो इफ यू आर वर्किंग इन ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एस्पेशली इन मिडिल ईस्ट, आपने बताया प्रोफेसर वी आर नंबर वन इन सेल्स, एंड द सेकंड बिगेस्ट कॉम्पिटिटर फॉर डीएक्सएन इज अराउंड 1/4 ऑफ डीएक्सएन सेल्स, दैट मींस दे आर 4 टाइम्स बिहाइंड अस सेकंड कॉम्पिटिटर। तो ऐसे सोचेगा तो डीएक्सएन मिडिल ईस्ट में ये छोटा मतलब दूसरा कंपनी से आके अट्रैक्ट करेगा तो भी हमारे ऊपर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। नहीं। जो लोग वापस बाहर गया वो अभी भी डीएक्सएन दरवाजे में नॉक कर रहा है वापस आने के लिए, अभी भी कर रहा है। तो दिस इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। अभी आपको आप जो बताया ये अनएथिकल प्रैक्टिस ये सभी जगह में होता है, वो लीडर को बाई करना, परचेस करना, लालच दिखाना, ये लोग जो विजन नहीं है
सी हम सभी आए नेटवर्क मार्केटिंग को सिक्योरिटी और रेसिडुअल इनकम एंड लेगेसी, लेगेसी टू जनरेशन. अभी हमारे बाद में हमारा बच्चों को, हमारा बच्चों को बाद में हमारा बच्चों को उसके बाद में उसका बच्चों. अभी मैं एक उदाहरण हूँ सलीम, बिकॉज ज्यादा लोगों को मालूम है या नहीं बताया, मालूम नहीं मुझे. मैं आज डीएक्सएल में मेरा जो ओपनिंग नंबर है इंडिया का, उसको मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन का नाम में ऑलरेडी मैं बनकर रखा हूँ. हल्ब हो गया ना. ये डॉक्टर लिम शिव जी ने इतना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको दिया, सपोर्ट किया, हेल्प किया. मैंने बताया मेरा बच्चों ने कमा सकता है, वो दे आर ऑल यंग 30-40 दे आर यंग, बट माई 5 years old 7 years old ग्रैंड चिल्ड्रन दैट टाइम 3 years old टू आई डोंट नो देयर फ्यूचर आफ्टर 40 years 30 years. आई एम श्योर दैट वी आर नॉट परमानेंट टू बी हियर आफ्टर सो मेनी ईयर, वी डोंट नो. एंड नेचुरली उस समय इकोनॉमी हालत कैसे होंगे, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा होंगे, एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे मालूम नहीं. इसीलिए ये ग्रैंड चिल्ड्रन को मैंने ऑलरेडी करके दे रखा. ये ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड विच कैन हैपन, दैट इज इन डीएक्सएल. फॉर द थर्ड जनरेशन ड्यूरिंग यूर एग्जिस्टेंस यू कैन ट्रांसफर. If you are a really a good networker, shown a good result. These are all opportunity. Already हमारा आंखों से बातें करना नहीं, what is going to happen after 20 years, 30 years, 40 years, 50 years. हमने what is going to happen after 50 years already हमने realize करता है. True. इस तरह का company I don't think not many are there in the world. Exactly. As you said, we are just stone's throw to be top 10. True. Because being 15th in the world, I am sure that at the fastest speed, we are going to reach top 10 ranks. Yes, true. And definitely, in the couple of years, if we are harnessing the market of vibrant countries, vibrant market regions like Middle East, Latin America, India, Asia में 3-4 जगह हमने network को expand करे तो दुनिया में only 3-4 जगह, DXN will no time reach number one. Exactly. I am sure that is going to happen in the coming years, and we are making preparations for that. Yeah. आज हम क्या काम करते हैं उसका preparation है. Exactly. और now next question, because how fast it's growing though through a light and business fully in this region, we have already discussed that. Yeah. And last but not the least. Afterwards, if you have anything you can add, all shower prize on Middle East management for leaders friendly and leaders focused attitude for the big growth. How do you view about this? In this, I would like to add your teams, the best team. We call it best team of DXN world. Of course, Mr. Jijit is there as all of your mentor, still with you. And after, along with you, 3 musketeers, Sebastian, Shebi. Now Bob and Joseph is there, Jenny is there in finance, all of you. True. And all other staff, they have been, but of course,
the head must be all right, then only remaining people will follow. More than that, silent man behind the scene. He doesn't want to come to the front. He is the man behind the curtain operating everything. True. That is something amazing. Yeah. And very simple, humble, unassumable, zero ego. And I think he is unparalleled to even anybody I can see in the Dixon world, and so much of goodwill and love and affection, and spending for the growth of Middle East, either Burj Khalifa ho, now Rolls Royce. Yeah. You show the Rolls Royce on which we are traveling, and the gift of Dixon Middle East by Matthew. Yeah. I must tell that. And a direct selling company buying a most luxurious, tallest building in the world to house the topmost leaders. I think this is unparalleled. No other direct selling company has given accommodation in Burj Khalifa. Yeah. true. For the people like us, not only for me, all Crown ambassadors. Yeah. Whoever Crown ambassadors are there, they can stay freely. Yeah. And I remember that right from the day one, we are given the best ever comfort. The Dixon gives everywhere, no doubt in that. But in that, if you make a comparative analysis, the best is, Dubai or Middle East. And you have taken care of us so much. Once we are going to Dubai, means it is like a festival. We don't see that we are going for a drive. It means so much of worry will be there in some of the places, because who will come, where we have to stay, what is the accommodation, how it will be, so many things. But once we say Dubai, no hesitation. And it is so, great from the side of Middle East management of Dixon. And recently we inaugurated Rolls Royce for leaders. True. How many companies will give Rolls Royce for leaders, right? Yeah. Only leaders. It is being used whenever they come to that market. True. So, please throw a light on that. Professor, as you said, you have rightly said, we learned from our mentors. Mr. Matthew, as you said, a very silent player, but always the brain behind, and Mr. Jiji, all these people, un logon ne humko kuch cheez sikhaya, and we are just taking it forward. Kyunki hum pure Middle East mein. First of all, thank you for that compliment, Professor. It's really wonderful to hear that from a person like you, you know, who was our mentor right from the beginning. And agar हमारे बारे में सोचेगा तो सिर्फ मिडल ईस्ट हेड ऑफिस का स्टाफ नहीं है, हम पूरे कंट्रीज में पूरे ब्रांच मैनेजर्स को या काउंटर स्टाफ को देखेगा तो जब वो डीएक्सएन में ज्वाइन करेगा, उसके मन में हम एक पॉलिसी देते हैं, जब मैं भी इधर ज्वाइन किया उसी टाइम मुझको भी ऐसा मिला मेरे मेंटर्स से, वो पॉलिसी है ये लीडर्स का बिजनेस है, मैनेजमेंट का बिजनेस नहीं है. अगर एक स्टाफ ऐसे सोचेगा तो उसका ये पॉलिसी उसके मन में है तो पूरे एक्शंस विल रिवॉल्व अराउंड लीडर्स. मतलब ये बिजनेस कौन बिल्ड करते हैं, लीडर्स बिल्ड करते हैं. कौन बाहर जाते हैं, लीडर्स बाहर जाते हैं. कौन आदमी लोगों को इधर लेके आते हैं, लीडर्स लेके आते हैं. तो ऐसे सोचेगा तो ये लीडर्स का बिजनेस है. जब एक लीडर एक ब्रांच में हो जाएगा, उसी टाइम उधर का बिजनेस इंप्रूव हो जाएगा जरूर. व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ इंप्रूविंग बिजनेस? क्रिएटिंग मोर एंड मोर लीडर्स. तो हमारा मैनेजमेंट स्टाइल लीडर्स ओरिएंटेड है,
मतलब उन लोगों को सर्व करने के लिए एक एटीट्यूड हमारा हर स्टाफ के अंदर में हम डाल रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ये जब होते हैं उसी टाइम एवरी एक्टिविटी विल बी लीडर फ्रेंडली. जब उसको लीडर्स जब व्हेन दे बिकम कंफर्टेबल, मतलब एक बॉक्सर के देखेगा तो ये बॉक्सर के सराउंडिंग में बहुत सारे स्टाफ होगा. अगर एक ब्रेक आएगा तो उसी टाइम पूरे लोग उसके बाजू में आते हैं. एक एक आदमी उसका ये यू नो स्वेट द वेट एंड सॉरी स्वेट एंड वन पर्सन विल बी डूइंग मसाज एंड वन पर्सन विल बी यू नो जस्ट डूइंग मसाज हियर. मैनेजमेंट का रोल ये होते हैं लेकिन बॉक्सर होते हैं लीडर. और एक फेरारी ड्राइविंग आई मीन एफ फॉर्मूला ड्राइविंग के बारे में सोचेगा तो एक पिट स्टॉप में आएगा तो ड्राइवर एक पिट स्टॉप में आएगा उसी टाइम पूरे लोग आके टायर चेंज करते हैं इंजन ऑयल डालते हैं. ये पिट मूवर्स है मैनेजमेंट और ड्राइवर है लीडर. तो हमारा मेंटालिटी ऐसे होते हैं मतलब उन लोगों को सपोर्ट देना उन लोगों को खुश रखना. और बुर्ज खलीफा इज द बेस्ट रोल्स रॉयस इज द बेस्ट. मिस्टर मैथ्यू टोल्ड अस नेवर कॉम्प्रोमाइज फॉर द सेकंड व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ लीडर्स कंफर्ट गो ऑलवेज गो फॉर द फर्स्ट एंड दैट इज द रीजन व्हाई मतलब वी आर ट्राइंग टू पैम्पर आवर लीडर्स. इफ वी पैम्पर आवर लीडर्स एंड इफ वी मेक देम कंफर्टेबल द ग्रोथ विल ऑटोमेटिकली कम. Now, that too, Dr. Lim also had taught us in this manner. Matlab, respect leaders. Always respect leaders. Never do anything which insult leaders. So, hum bhi aisa policy mein jaate hai, Professor. So, and we also feel that it is a privilege to serve quality leaders like you. You know, many, aap logon se hum ye sab seekh liya. To, aap logon ko serve karne mein हम ऐसा एक प्रिविलेज जैसे समझते हैं. व्हेन एनी पर्सन ट्राई टू वर्क इन मैनेजमेंट एज लीडर फ्रेंडली वी थिंक ग्रोथ विल कम देयर एंड वी बिलीव वेरी स्ट्रांगली ऑन दिस पॉलिसी. इट इज फैंटास्टिक एज यू सेड द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट गिवन. द ट्रीटमेंट मींस टू सी हाउ द वे इन व्हिच you people have placed the leaders in the network. It is the best of the best companies because I am a networker. I am not comparing this with the, you know, chota mota small companies, local companies. I compare this with the topmost MLM companies, top 10, top 10 in sales in the world. How they are treatment to the leaders, how they place the leaders, how they adore the leaders, how they are invisible, because by making leaders to visible, they support them from the back, make everything moving smoothly in the presence of the leaders. And so that this is what I have been telling, and I have learned as a networker. Before I even enter DXN, how leadership is critical and how leadership is not just important, only leadership, only leadership, nothing but leadership is required for a mega growth of a network marketing company. All the things are facilitated for the growth of leadership. Management is a facilitator. What you have now showing the Rolls Royce here, I am driving. This is a facility you have facilitated to place the leader. Our leaders are the top. Our leaders are the prestigious. Our leaders are the 5-star leaders. Not ordinary, they are the 5-star. Our leaders' lifetime is the best. Before we buy our own personal luxury car, company places in such a way that you can drive a Ferrari, you can drive a Rolls Royce, or you can drive any other luxury cars which the richest people in the world can buy.
you are making that placement not on theory, practically. And you make us to stay in the Burj Khalifa. That is a prestigious building around the globe. Even any country you go, any part of the world you go, Dubai means they say Burj Khalifa. True. Or even in a village, they know Burj Khalifa. That means a person who stays there, Burj Khalifa, he becomes very rare, you know, specimen, because not everybody can afford, everybody can stay. And the company symbolizes us as five-star leaders, you know, before they make millionaire. They will be millionaires, or they can be billionaire. But company is placing us before we are going to have our own such luxury, and showing that this is the strength of the company. Leadership is everything. Without leadership, nothing works in direct selling industry. Professor, you are the one who inaugurated our Burj Khalifa guest house and Rolls Royce. Don't know. I know. That's why I told. Both I have inaugurated. It is, I am most privileged. Yeah. Thanks to Middle East management, particularly Matthew, you and all. Yeah. Because last time while I visited, every time they gave me one surprise. Yeah. Once they told that next time we will have a surprise. Then we opened Burj Khalifa. Yeah, yeah. Again, next time I was coming, sir, next time you will have another surprise. Yeah, yeah. I was not knowing what is surprise. Then the Rolls Royce was ready. Yeah, yeah. They are very, you know, from the bottom of our heart, yeah, for the kind of love, yeah, gratitude you have shown on the leaders. You are the best. No, Professor, actually, yeah, the growth of Middle East also started by you. I mean, we are always, even Mr. Matthew always telling, we are indebted to you. You, as a couple, Professor Vasupal and Dr. Ratna and Dr. Ranjan and many other leaders like that, from even Mr. A.B. Joseph is in India now. Yes. He was one very strong pillar of growth in the Middle East. So Middle East. Many Indian leaders are the one who really flagged, you know, taken the flag in Middle East. But unfortunately, as you said, maybe this is the time for creating heavy hitters from India. Heavy hitter. Heavy this hitter. Yeah, yeah. Yes. Now, future growth depends on, we are grooming lot of next generation entrepreneurs, mm-hmm, next generation networkers, mm-hmm, next generation network leaders all over the world to go from Indian soil. Of course, because I am in India, I have in touch personally, I will very often I am in touch with the many budding leaders at 20s. Mm-hmm. 20s. That's why I am bringing a lot of them in front of my channel, this DXNRVC YouTube channel. Okay. Focus on them. These at 20s, 1.5 lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs earning. That is something amazing. Yeah. And these people are going to take the flag to multiply. Okay. And I am sure like Saudi Arabia, we will be also getting 2.5, 3 within 3 years new crown ambassadors. Oh, okay. We are grooming for that. And they are all in their 20s or within 30 years. Oh, that's very good. Imagine, while such people come, they will have energy, yeah, age, mm-hmm, and determination at that young age. If at that young age, mm-hmm, what you make in late 60s or 70s, these people are making at 20s, imagine what would be the future leadership. Exactly. As these people, see, leadership is not born. Mm-hmm. Leadership cannot be made also. It is groomed. We have to groom the leadership, right leadership. True. Grooming, it will take time, means over a period of time, we can shape them. Okay. And so, it is an art. It is not a science, leadership. Mm-hmm. And we have to
very systematically. They must, all these vision, dream, compassion, and human spirit, most important thing network is, unless they have the human spirit, humanitarian consideration, they cannot be a good leader. And so all these values with the leader, leadership without values cannot sustain. Exactly. And leadership with values, mm-hmm. network marketing values, true. Honesty, sincerity, and support, concern for others, mm-hmm. empathic, they have empathy. Mm-hmm. Empathy is most important, true. Compassion and empathy. Mm-hmm. And I am sure that such leaders, because this sector is compassionate capitalism. Capitalism with compassion. Okay. Capitalism cannot sustain without compassion. And with that is human values. Mm-hmm. And we blend the equality mm-hmm. to all. Okay. Equal opportunity to all. These are all what I learned last 20 years in this mm-hmm. industry. Okay. I am very excited about this industry because I know that we have the opportunity, rarest opportunity compared to any other sector in the world to touch lives, okay. touching lives. Mm-hmm. This will never happen in any industry. And we cannot change anybody. It is not our own. They have to change themselves. But we can touch many lives to be changed. And this, that opportunity, after we grow, money is not the only thing. Money doesn't matter after some time. While I can stay in Burj Khalifa, while I can drive the Rolls Royce, what money means? Nothing. Yeah. Money doesn't matter beyond this. But what I have to do now? I see the people who don't have one-time meals. Believe me, one-time meals, such a the poorest of the poor in Bihar, mm-hmm. making 1 lakh, 1.5 lakhs income, a barber, labor, okay. a construction worker, mm-hmm. a farm labor, he's not a farmer, farm labor, mm-hmm. daily coolie 100 rupees. Mm-hmm. He is working today, he can drive his own cars, he can have his own building in a village. Mm-hmm. What does this sector can make? Correct. This is what our mission is. Mm-hmm. This is what I am excited, motivated. And a lot of people ask me, what is the secret you work like this? How it is possible? Mm-hmm. What attracts you? This is what attracts me. Their blessings. Their adoration. Mm-hmm. Their following the mentorship. Mm-hmm. They are following the DX and RVC system, mm-hmm. which we have built very emotionally. Exactly. Any network marketing company, unless there is a strong network system, mm-hmm. vibrant network system, vibrant leadership system created by the mentors of network, they cannot sustain. This is what I have understood as a networker. Exactly. That is why my all emotions today to leave a strong system, why we leave this world, mm-hmm. to leave a strongest legacy to the network, future generation of networkers. They should not fail and they should not go to, why they go to some other company if they are showing them some money, greediness, corruption. Why our leaders, how our leaders can be bought? Any company, I am telling. Mm-hmm. This is the rubbish and the most illegal, unethical thing can happen in network industry. Hence, we are grooming them and teaching them, training them mm-hmm. at the member level that we are the best, we are the honest, we are the real. Mm-hmm. Dr. Lim Seo Jin always used to say that magic companies, real companies in networking. Uh-huh.
Very often he talks, we are not the magic. Mm-hmm. I make like this magic, give you 1 lakh rupee. Mm-hmm. Can you really take home? No. No. Because it's a magic, anything. You have a best musician, a best pianist. Anything. Yeah. Tell me. But if it is a real 1 lakh, uh-huh. real car, Rolls Royce, yeah. real Burj Khalifa, mm-hmm. these are not imaginary. Exactly. That is what the strength of DXN. Yeah. I am very proud of that. And I am sure that we will take DXN to number one in the world. Yeah, yeah, sure, sure. Anything to add, Salim, before we conclude? Yeah, Professor, actually, it's a request to all Indian leaders. We have the visit of and efforts of many leaders previously, like P.R. Rajiv, Sirajuddin, Mr. K.K. Agarwal, and Dharmashila Madam, and Mr. Surinderji. Or we were expecting Santosh Diyokar, Praveen Solange, all these people, Suhail Lambe, everybody, they are already also utilizing the soil of Middle East. They are very close with us. There are many leaders. Yes, yeah. Yes. Our request for all the leaders, please be free to contact us. And we are, aap jaise Indian log idhar bhi baith raha hai, hum dono milke idhar Indians mein aur baki sare duniya mein hamara network spread karenge, expand karenge. Sirf ek hi cheez chahiye, ek soch aapke man mein Middle East mein business expand karne ke liye, aur ek message hamare mobile mein, can you help us in expanding DXN business in Middle East? The rest we will do. Okay, please. So it's a request, all Indian leaders, try concentrating building aapka business idhar build karne ke liye, aap thoda soch aapka man mein dal dijiye. Very good. Yeah. I am sure that after this corona ends, uh-huh. and our flight schedule opens, yeah. you will be flooded with Indian leaders. I will make the list, yeah. of sending, yeah. you know, team by team, right. who can give the best training, okay. and best knowledge, and who can be the dynamic leader, heavy hitters, yeah. who sure. can emerge as heavy hitters. Yes. I'm looking for that. Don't worry about the leaders' requirement to Middle East. Yeah. We have a huge band of leaders to be supplied. Yeah. I'm grooming this 3 months. Yeah. Or 4 months Okay. Salim. Yeah. This corona period. Yeah. I am doing only one thing, only one work. Mm-hmm. Grooming the leaders. Yeah. Through this right. channel. Right. And I'm very aggressively mm-hmm. Grooming leaders, developing leaders, motivating them. To emerge as a big networker. Okay. We will have hundreds of thousands of them mm-hmm. in the coming years, and we will make them. They are the really, because what we made in 20 years, now mm-hmm. these people can do in 2 years. Exactly, yeah. Because we have set up everything. Yeah. Now, only thing is just take off. Exactly. Everything made ready. Platform made ready, this made ready. True. See, now, if there is no airport, mm-hmm. how aircraft can take off? Exactly. If there is airport, if there is a good aircraft, true. Flight is ready, hmm. you know, Boeing is ready, but no airport, nothing works. Correct. True. We must have a good airport also. Yeah, yeah. We must have all infrastructure overhead to make the air, to take the flight to run up, yeah. take off. True. Hence, everything is critical. You must, right, you have a beautiful aircraft. But you don't have a pilot, means how the aircraft can take off. Correct. You have not recruited a pilot. True. Even if there is a pilot, equally important crew. There are no crews. Exactly. Beautiful airport, mm-hmm. beautiful, you know, flight, Boeing, mm-hmm. but there are no crew. Then again, it cannot take off. It is everything made ready. Now, all these things we built last 20 years. Hmm. DXN factories, DXN officers, it is amazing. Hmm. You have more than 70 officers of yeah. DXN in the Middle East. Yeah.
I am sure that as Matthew's dream and vision to have 100 beautiful offices before the end of this year, I think it may happen. Yeah, you know. Sure. So these are all our strength. Mm-hmm. One small room, which we thought 18 years back with a big dream, 70 ultra-modern corporate offices, Middle East. Yeah. And amazing. And we require hundreds of thousands of leaders to make use of that. We will see that leaders will emerge. We will support them. Yeah. You keep on supporting, as usual, this grooming the leaders, whoever is coming there. Mm-hmm. And we are very excited to be any part of the world, for that matter, in DXN. More particularly, the Middle East. Okay. Because we feel at home whenever we come there. Thank you for all of yours, love, affection, gratitude, and management skills, which you have adopted in the true network style to see that this industry grows with the leadership. Thank you, Salim. Anything to add? Thank you so much, Professor. That's all. Thank you for inviting me. And, thank you. It is my privilege. Yeah. You have given the best today to us. I am sure that India will make use of Middle East. Thank you so much for all the attendees. Thank you so much. Thank you.